ये जो लोग देख रहे हो, ये पूरा ऋषि पंचमी के गुरु धनतर के भक्त हैं और जड़ी बूटी खोद रहे हैं। ये पूरा प्रॉपर आपको इस जंगल में दिखा रहा हूँ, इस समय आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है। और इधर देखिए, ये है हमारे गुरुजी जो चब्बल टंगिया पकड़ रखा है, मंत्र तंत्र परम ज्ञाता है। और एक गुरुजी वहाँ पर है, ये सामने देखो वहाँ पर है, जिसने पगड़ी बांध रखा है, वो देखिए पीछे की तरफ। बाकी लोग तो सब इनके शिष्य हैं, ये लोग मंत्र तंत्र के आचार्य हैं। और आज छत्तीसगढ़ में गुरु धनतर ऋषि परंपरा में जो आता है ऋषि पंचमी गुरु, उस इसका होते हैं। और इस दिन सप्तऋषियों का भी पूजा होता है, और जो हमारी माता बहनें हैं वो अपामार्ग का दातुन करके सप्तऋषियों की पूजा करके अपने शुभ मनोकामना संतान प्राप्ति की इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। ऐसे है यहाँ पर देख सकते, पूरा बेबियान जंगल है, बिहड़ जंगल में है। अब इधर का जंगली क्षेत्र होने के कारण से अनेक प्रकार के वनौषधियाँ भी मिलती है, आप देख सकते हो। और आगे और आप सभी को औषधि दिखाते हैं। चलिए इधर 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 क्या क्या औषधि खोद रहे हैं उसके बारे में आप देख सकते हो, देख लीजिए। वो सूर्यनो है, अरे मुसली हरे है। ये है घुंघरू कांदा, घुंघरू कांदा इसको बोलते हैं। खाने में ये बड़ी नारियल के समान लगता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है ये, नारियल जैसा होता है और इस तरह से होता है। इसमें अभी छोटा है, इस कारण से ज़्यादा फली नहीं निकल रहा है। ये सफ़ेद मूसली आप देखते हो ना, मैंने आपको मैं अपने वीडियो में दिखाया हूँ, सफ़ेद मूसली जो धातु पुष्टि के लिए काम आता है वो इसी रहता है। ये देखिए, इसको धोने पर ये काला काला या लाल टाइप का होता है, ये देख सकते हैं। इसका पौधा ऐसा होता है, छोटा होता है, इसके फूल नीला नीला आभा लिए हुए लंबी डंडी में होता है। तो इधर का ये लगा, ये ढांक देता हूँ। कहाँ है कुमेश, कल वो दिखा रहे हैं ना जी, बंद करो ला।